हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको टू कलर से बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने 9 नंबर के नीडल्स का मैंने यहाँ पे यूज किया है। 2 कलर लिए हैं मैंने, आप अपनी चॉइस से कोई भी आप इसमें कलर ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिए, तब ये डिज़ाइन आपकी समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। तो सबसे पहले हम इसमें फंदे डाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास ये पतली ऊन है तो मैंने इसको डबल कर रखा है। अगर आपके पास मोटी है तो आप सिंगल से ही आप डालिएगा। सबसे पहले देखिए, इसमें हम एक ऐसे नोट लगा लेंगे। स्लिप नोट लगाने के बाद ये देखिए, ऐसे हम इसमें फंदे डालेंगे। एक हमारा नोट से हो गया, ये देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 फंदे मैंने एक कलर के डालिए। छोटे पर बता रही हूँ फ्रेंड्स मैं, अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप जोड़े के हिसाब से फंदे डालिएगा। आप इसमें 20 फंदे भी डाल सकते हो। अब देखिए, इसके ऊपर मैं एक कलर से और डालूँगी। इसमें मैंने नोट नहीं लगाई है, ऐसे भी हम इसमें फंदे डाल सकते हैं। ये देखिए 2 हो गए 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये देखिए, छोटा थ्रेड डाल लिया था मैंने, आप थोड़ा सा इसमें बड़ा ले लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों मैंने इसमें 10-10 फंदे डाल लिए हैं। तो फर्स्ट रो से ही आप अपना इसमें डिजाइन स्टार्ट कर सकते हो। ये देखिए, फर्स्ट रो से ही करेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, हम ऊपर फंदा बढ़ाएंगे। तो देखिए, सबसे सिंपल तरीका मैं बताऊँगी आपको फंदा बढ़ाने का। ये लपेट लिया, देखिए ऐसे लपेटने से ही और ऐसे बनाने से एक फंदा हमारा यहाँ पर बढ़ गया। दूसरी रो में एक तरीका और बताऊंगी मैं आपको फंदा बढ़ाने का। ये देखिए, दोनों वूल मैंने डबल कर रखी हैं क्योंकि मेरे पास पतली थी। आप साड़ी और चुन्नी से भी इस डिजाइन को बना सकते हो। ये देखिए, सारे फंदे हमने बना लिए। अब देखिए, दोनों कलरों का हम ज्वाइंट कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। इसको हम इस साइड कर लेंगे और इस थ्रेड से बनाएंगे तो ऐसे हमारा एक क्रॉस हो जाएगा। हर बार आपने ऐसे थ्रेड को क्रॉस करना है। देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 फंदे बनाएंगे, 2 फंदे हम छोड़ देंगे और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ये हमारी सीधी साइड बनेगी फ्रेंड्स। सीधी साइड से हमें कोई फंदा बढ़ाना घटाना नहीं है, जो जिस कलर का होगा उसी कलर से बनाना है। तो ध्यान से देखिए कैसे हम अपना हर बार इसमें थ्रेड कैसे लेंगे, वो मैं आपको इस रो में बताऊंगी। देखिए, अब देखिए, इसको हम पीछे कर देंगे और पीछे से ऐसे क्रॉस करके हम थ्रेड को इस साइड लेके आएंगे। हर बार आपने क्रॉस करना है। और ये देखिए, बिगनर्स भी इस डिज़ाइन को आराम से बना सकते हैं। ये देखिए, ये बड़ा हुआ फंदा है, इसको भी हम ऐसे बना देंगे। अब देखिए, मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी फंदा बढ़ाने का। ये देखिए, इसको फ्रेंड हम ऐसे उतार लेंगे यहाँ से। ये देखिए, फंदे कई हैं बढ़ाने के तरीके। इसको एक बार हम ऐसे बना लेंगे, पीछे से निकाल लेंगे नहीं इसको, और एक बार हम आगे से बना देंगे। ये देखिए, एक फंदे के हमने यहाँ पे 2 फंदे बना लिए। लेकिन जो पहले बताया था वो सबसे सिंपल तरीका था बिगनर्स के लिए। तो
बाकी जिसको बनाना आता है वो फंदे आसानी से बढ़ा लेगा। ये देखिए दूसरा फंदा फ्रेंड्स हमने यहाँ पे बढ़ा लिया है। ऐसे क्रॉस कर देंगे, ऐसे बना लेंगे। जॉइंट हमारा दोनों कलर का लग गया है। अब देखिए 3, 4, 5, 6 फंदे बनाएंगे, 2 फिर से छोड़ देंगे। सीधी साइड से इस रो को जो जैसा है मैं वैसा ही बनाऊंगी। जिस कलर से जो फंदा है एक बार और देख लीजिए, वो हमारी फर्स्ट रो थी, तो अब हमारा जॉइंट लग गया है। ऐसे हम इसको पीछे कर देंगे और पीछे से ऐसे ब्लू को आगे लेके आएंगे तो क्रॉस हो जाएगा, तो बीच में दोनों कलर के बीच में हमारा गैप नहीं आएगा बिल्कुल भी। बहुत ही सफाई के साथ हमारा डिज़ाइन बनके कंप्लीट होगा। बड़ा बनाना है तो आप बड़ा बना लीजिए, लेकिन जोड़े से आप इसमें फंदे डालिएगा और दोनों फंदे आप इक्वल डालिए। 40 फंदे का बनाओगे तो 20 ऊपर और 20 नीचे। ये देखिए 2 फंदे हमने यहाँ पे बढ़ा लिए। ये देखिए हमारा तीसरा फंदा लपेट लिया और हमने यहाँ पे तीसरा फंदा बढ़ा लिया। देखिए इसको ऐसे कर देंगे जैसे सुई से हम सिलते हैं, ये देखिए ऐसा सिलता जाएगा। अब देखिए 2, 3, अब की बार हम 4 बनाएंगे, 2 फंदे हम फिर से छोड़ देंगे और हम यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। सीधी साइड से इस रो को मैं पूरा करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पे हमने चौथा फंदा बढ़ा लिया है। ध्यान से देखिएगा, जो भी आप फ्रेंड्स कलर लगाओ ऊपर वाला कलर आपका ज़्यादा लगेगा, जो भी आपके पास ज़्यादा कलर हो उसको आप ऊपर की साइड लगाइएगा। देखिए अब 2 फंदे हमारे बच गए। सीधी साइड से इस रो को मैं पूरा करूँगी। ये देखिए पांचवा फंदा हमने बढ़ा लिया। 5 फंदे ही हम इसमें बढ़ाएंगे फ्रेंड्स। ये हमारा 5वां फंदा है। ऊपर के हमारे 15 फंदे हो गए, 10 हमने डाल लिए थे, 5 हमने ऊपर बढ़ा लिए और नीचे के येलो के हमने सारे फंदे 2-2 करके 2 फंदे बचे हुए हैं वो हम इस बार छोड़ देंगे। देखिए और हम यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। इस रो को मैं बना के कंप्लीट करूंगी। ये देखिए 5 फंदे फ्रेंड्स मैंने इसमें बढ़ा लिए हैं और यहाँ तक हमारे फंदे छूट गए हैं। ये ऊपर के 10 फंदे भी हम 2-2 करके छोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ से ही मैं 2 का 1 कर दूंगी। देखिए 1 फंदा हमने घटा दिया। अब ये हम सारे फंदे ऊपर के घटाएंगे और 2-2 फंदे ऐसे ही छोड़ते आएंगे। 2 फंदे हमने फिर से छोड़ दिए। राइट साइड से मैं इसको एक बार और मैं आपको दिखाऊंगी, फिर मैं सारे फंदे घटा के फिर मैं आपको आगे का दिखाऊंगी। बिल्कुल जैसे हमने फंदे बढ़ाए हैं इसी तरीके से हमने फंदे घटाने हैं। ये देखिए ये दूसरा फंदा हमारा और 2 फंदे हम फिर से छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स मैं सारे फंदे घटा लेती हूँ फिर मैं आपको आगे का दिखाऊँ। ये देखिए 4 फंदे मैंने घटा लिए, 1 फंदा मेरा यहाँ पे बचा हुआ है तो उसको भी मैं घटा दूँगी। ये देखिए और मैं यहीं से वापस से मुड़ जाऊँगी। ये देखिए अब देखिए हमें क्या करना है,
वापस फिर से हम अपना फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए लपेट लिया, फंदा हमने यहाँ पे बढ़ा लिया और आगे से 1 2 3 4 ये हम दो दो फंदे आगे से ले लेंगे। इस बार के हमने पहली बार के यहाँ पे फंदे दो ले लिए हैं। ये देखिए ये दो फंदे मेरे हैं और एक बड़ा हुआ फंदा है। ध्यान से देखिए थोड़ा सा इसमें यहाँ पे चेंज आएगा। फिर से देखिए पहला फंदा हमने बढ़ा लिया, दूसरा फंदा लपेट लिया, फिर से बढ़ा लिया। ये देखिए दो फंदे ये और दो ये और दो हम आगे से लेंगे। और अगर आपको फ्रेंड्स बीच में गैप लगे तो ऐसे बीच में फंदा उठाइए और इसका दो क्या एक कर दीजिए। एक हम आगे से ले लेंगे और यहीं से मुड़ जाएंगे। अब तक हम हाफ कली जब हमने बनाई थी तो ऊपर से नीचे से ऊपर तक फंदे छोड़ते आए थे और अब हम ये सारे फंदे दो दो करके इसमें ऐड करते जाएंगे। ये देखिए फिर से देखिए, ये देखिए लपेट लेंगे और हमने तीसरा फंदा हमने यहाँ पे अपना बढ़ा लिया। ध्यान से देखिए दो फंदे हम आगे से लेंगे, उससे पहले देखिए ऐसे गैप ख़त्म कर लेंगे। बहुत ही सफाई के साथ बनेगा ये, दो का एक करना आप मत भूलिएगा। ये देखिए तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं ये फंदे भी ऐड कर लूँगी, दो फंदे मैं और बढ़ाऊँगी और इनको भी मैं ऐड कर लूँगी, फिर उस आपको आगे का बताऊँगी। ये देखिए पांच फंदे मैंने यहाँ पे बढ़ा लिए हैं और यहाँ पे देखिए ऊपर फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 10 फंदे थे, ये पांच ऊपर बड़े हुए फंदे हैं। यहाँ तक हमने फंदे अपने सारे इसमें ऐड कर लिए, ऊपर नीचे के ये हमारे 10 फंदे बचे हुए हैं। तो अब देखिए अब हम ये फंदे घटाएंगे। एक बार हमने बढ़ा लिए, ये देखिए दो का एक किया, एक फंदा हमने घटा दिया। सेम उसी तरीके से बनाना है जैसे हमने हाफ कली बनाई थी, उसमें हम फंदे नीचे से छोड़ते आते हैं, इसमें ऊपर से हम दो दो फंदे ऐड करते हैं। ये देखिए अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पे बीच में गैप लगेगा तो आप ऐसे करिएगा, ऐसे हम इसको बनाएंगे, इसको ऐसे कर देंगे और अब हम इससे बनाएंगे। ये देखिए दो फंदे हम ऐड कर लेंगे, यहीं से हम मुड़ जाएंगे। सॉरी इसको हम पीछे करेंगे और पीछे से येलो ऐसे क्रॉस करके आगे लेके आएंगे और ये पूरी रो में इसी तरीके से बनाऊंगी। ये देखिए एक बार फिर से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम दूसरा फंदा कटाएंगे। इसी तरीके से मैं बाकी के तीन फंदे और मैं घटा लूँगी और पीछे से दो दो फंदे हम ऐड करेंगे। देखिए यहाँ से आपने इसी तरीके से ऐसे थ्रेड को क्रॉस करना है। ये देखिए ऐसे सिलता जाएगा। देखिए दो ले लिए तो हम आगे से और लेंगे और गैप लगे तो ऐसे बीच में से फंदा उठाइए और दो का एक कर दीजिए और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स 1 2 3 जोड़े हमारे बचे हुए हैं, तीन फंदे हम ऊपर घटाएंगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ फिर मैं आपको आगे का दिखाऊंगी। ये देखिए एक फंदा मेरा यहाँ पे बचा हुआ है और दो फंदे हमारे यहाँ पर नीचे बचे हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस रो में हमने जितने फंदे डाले थे उतने फंदे हमारे हो गए। लास्ट का पांचवा फंदा मैंने घटा दिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 10 फंदे मैंने ये डाले थे, 10 हमारे ये वापस हो गए, क्रॉस कर लेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 वापस हमारे
ऊपर वाले फंदे एक बार हमने बढ़ाए, फिर घटाए, फिर बढ़ाए, फिर घटाए, वापस हमने अपने फंदे उतने ही बना लिए हैं। फर्स्ट कली हमारी बन के कम्प्लीट हो गई। सीधी साइड से इस रो को जो जैसा है वैसा ही बना के मैं इसे कंप्लीट कर। अब देखिए फ्रेंड्स, हम अपना कलर चेंज करेंगे। अगर आपको ये अंदर का सर्कल एक कलर से बनाना है और ऊपर का जो हार्ट हमारा बना है ये दूसरे कलर से बनाना है, तो आप अलग अलग कलर भी ऊपर लगा सकते हो, वो यहीं से हमारा चेंज होगा। और मैं इस कलर को, इसको नीचे लेके जाऊंगी, इसको ऊपर लेके जाऊंगी। तो देखिए यहाँ से हम इससे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। और इसको हम ऐसे टाइट कर देंगे, ठीक है। और इस कलर को हम साथ साथ ऐसे लेके आएंगे, और ये जो हमारा थ्रेड है लंबा है तो इसको हम ऐसे बना देंगे, ध्यान से देखिए, ताकि ये बीच में लटकेगा नहीं, इसके साथ ही ज्वाइंट हो जाएगा। ऐसे दो फंदे बनाएंगे और तीसरे फंदे में इसको ऐसे ऐसे ले लेंगे साथ में, इसके नीचे से निकाल के, तो हमारा ये देखिए ऐसे हो जाएगा। ये देखिए 10 फंदे हमने येलो से बना दिए। जो येलो वाले के हैं इनको हम ब्लू से बनाएंगे, देखिए। कलर हमने अपना चेंज कर लिया है। अगली रो से फिर से हम अपना डिजाइन स्टार्ट करेंगे। सीधी साइड से जो जैसा है हम वैसा ही बनाएंगे। सीधी साइड से ये रो पूरी मैं उतार लेती हूँ। इस फर्स्ट वाले को आप फ्रेंड्स कमी बनाना, नहीं तो बीच में होल बड़ा बन जाएगा। इसको हम ऐसे उतार लेंगे और ये पूरी रो में बना के कंप्लीट करूँ। देखिए कलर हमने अपना चेंज कर लिया है और ये दो रो बीच में से हमने उल्टी और सीधी तरफ से बना ली हैं। अब देखिए फिर से हमने जैसे नीचे से यहाँ से हमने फंदे बढ़ाए थे, ऐसे ही हम फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिए लपेट लेंगे और हम अपना फंदा बढ़ा लेंगे। ये देखिए एक फंदा हमने बढ़ा लिया, बिल्कुल सेम उसी तरीके से करेंगे फ्रेंड्स। एक बार हम बढ़ाएंगे, फिर घटाएंगे, फिर बढ़ाएंगे और फिर घटाएंगे। ये देखिए इस रो को मैं आपको उतार के दिखा देती हूँ। ये कली पूरी होने के बाद फिर हम ये जो नीचे कलर आप जो भी लगाओ उसको आप ऊपर ले जाइए, और ऊपर का नीचे दो फंदे हम छोड़ देंगे और यहीं से हम पलट जाएंगे। ये देखिए, तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आपने ये बनाना है। तीन फ्लावर हमारे इसके बनेंगे, तीन फ्लावर हमारे इसके बनेंगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लुक कैसी आई है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बना के इसे कंप्लीट कर लिया है। बहुत सुंदर इसकी लुक आई है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना आपको डिज़ाइन कैसा लगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।